चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। 10 बजने को है मतलब शुरुआती 3 घंटे का मतदान पूरा होने को आ रहा है और ऐसे में चौथे चरण में सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा सामने आ गया है। अभी तक एवरेज करीब 10% की वोटिंग हुई है इस चौथे चरण में 96 सीटों पर, और अगर राज्यवार हिसाब से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में करीब 12%, पश्चिम बंगाल में करीब 15%, बिहार में करीब 10%, झारखंड में करीब 12%, मध्य प्रदेश में करीब 15% वोटिंग हो चुकी है। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वोटिंग प्रतिशत बहुत कम अभी तक नजर आ रहा है। शुरुआती 2 घंटे में महाराष्ट्र में सिर्फ 6% वोटिंग ही हुई है, आंध्र प्रदेश में करीब 9% के आसपास वोटिंग, तेलंगाना में करीब 10% के आसपास वोट पड़े हैं शुरुआती 2 घंटे में, ओडिशा में भी करीब 9% के आसपास ही शुरुआती 2 घंटे में वोट पड़े हैं, और जम्मू कश्मीर में तो सबसे कम शुरुआती 2 घंटों में, श्रीनगर की सीट पर अभी तक सिर्फ 5% वोट ही पड़े हैं। चौथे चरण के लिए जो आज मतदान हो रहा है, इसके बीच कांग्रेस ने महिला वोटों को साधने के लिए पूर्व अध्यक्ष पार्टी की सोनिया गांधी का एक वीडियो संदेश जारी किया है। सोनिया गांधी इस वीडियो संदेश में कह रही हैं, महिलाएं भयंकर महंगाई के कारण संकट का सामना कर रही हैं। कांग्रेस गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देगी। तो इस बार कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी गारंटी को लेकर बार बार लोगों के बीच जा रही है, और ऐसे में गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उनको हर परिवार में महिला को 1 लाख रुपए देने वाली जो स्कीम है कांग्रेस की, उसी को लेकर ये वीडियो संदेश सोनिया गांधी का। नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। हालांकि आज हमारी महिलाएं भयंकर महंगाई के बीच संकट का सामना कर रही है, उनकी मेहनत और तपस्या के साथ न्याय करने के लिए कांग्रेस एक क्रांतिकारी गारंटी लेकर आई है। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना हम गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। कर्नाटक और तेलंगाना में पहले से ही हमारी गारंटी ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदल दी है। चाहे मनरेगा हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो और भोजन सुरक्षा जैसी हमारी योजनाओं से कांग्रेस पार्टी ने लाखों भारतीयों को ताकत दी है। महालक्ष्मी इस काम को आगे बढ़ाने की हमारी सबसे नई गारंटी है। इस कठिन समय में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस का हाथ आपके साथ है और यही हाथ आपके हालात बदलेगा। धन्यवाद। तो कांग्रेस का चुनावी वादा देश के सामने रखते हुए सोनिया गांधी का ये वीडियो संदेश कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो फिर हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। और इस बीच ये चौथे चरण में जो वोट डाले जा रहे हैं उसकी तस्वीर आपके सामने है। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र की पुलवामा की तस्वीर आप देख रहे हैं, लंबी कतार जहां पर मतदाताओं की श्रीनगर में देखने के लिए मिल रही है वोट डालने के लिए। उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट की तस्वीर भी आपके सामने है। हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का गढ़, ओवैसी परिवार का घर, वहां की तस्वीर आपके सामने। आसनसोल पश्चिम बंगाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम की तस्वीर आपके सामने, पश्चिम बंगाल की बीरभूम की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से अलग अलग तस्वीरों में श्रीनगर, समस्तीपुर, बड़गाम, बेगूसराय, तो कुल मिलाकर ये अभी तक की आज की तस्वीर, चौथा फेज जिसमें 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और इसमें जो वीवीआईपी सीट्स हैं उसमें जाहिर सी बात है तेलंगाना की हैदराबाद सीट भी है, जो ओवैसी परिवार का घर भी और गढ़ भी। 6 बार असदुद्दीन ओवैसी के पिता 1984 से लगातार यहां पर सांसद बने और फिर पिता के बाद 2004 से असदुद्दीन ओवैसी लगातार यहां से जीत दर्ज कर रहे हैं। इस बार भी 24 चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है और वो इस बार के चुनाव को संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई मान रहे हैं। सर, पोलिंग शुरू हो गई है, क्या अपील करेंगे वोटर्स को? बस निकल के वोट डालिए, देश के लिए वोट डालिए और इंडिविजुअल के लिए मत डालिए, पार्टी है पार्टी के लिए डालिए। देश बहुत बड़ा है और ये देश के
वतन का, मुल्क का सबसे तारीखी चुनाव है। मुद्दे क्या क्या हैं सर जनता के सामने? बहुत से मुद्दे हैं, संविधान को बचाना है, आरक्षण बचाना है, देश की भाईचारगी को बचाना है, नौजवानों को रोजगार से लगाना है। अगर तीसरी मर्तबा मोदी वजीर आजम बनेंगे तो फिर जो अग्निवीर की स्कीम वो लाए उसी तरह की स्कीम CRPF में, SSB में, BSF में, RPF में लेकर आएंगे। बात बिहार की एक सीट समस्तीपुर, जहां टक्कर देखिए LJPR, यहां पर जो शांभवी चौधरी हैं उनका मुकाबला है कांग्रेस के सन्नी हजारी से। नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही यहां पर जो शांभवी चौधरी हैं वो भी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। तो ये टक्कर दोनों के बीच में है। अब इसका समीकरण, समस्तीपुर सीट SC के लिए रिजर्व है। इस सीट के बारे में ये जानकारी, नीतीश के दो मंत्रियों के परिवार में टक्कर सीधे तौर पर इस बार चुनावी मैदान में है। समस्तीपुर सीट का ये समीकरण LJP से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी उम्मीदवार जो पहली बार चुनाव लड़ रही है, शांभवी पूर्व IPS किशोर कुणाल की बहू है, चुनावी मैदान में। कांग्रेस से महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी उम्मीदवार हैं उनके सामने, जो उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। रोमाना, तो देखिए शांभवी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देश की सबसे कम उम्र की दलित महिला उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में शांभवी ताल ठोक रही हैं, और लड़ाई तो दिलचस्प है ही, क्योंकि नीतीश के दो मंत्री और दोनों मंत्रियों के बच्चे आमने सामने। शांभवी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार। हमारे साथ देश की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार शांभवी चौधरी हैं। शांभवी, इस बार आपने जमकर प्रचार किया, क्या आपको लग रहा है किस मुद्दे पर आपको लोग वोट करें? हम मानते हैं कि जब हम चुनाव प्रचार में थे तब भी हम बोल रहे थे, हम बार बार बोलते हैं कि विकास ही एक मुद्दा होना चाहिए जिस पे लोग का मतदान होना चाहिए। और काफ़ी समय से यहाँ पे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, चिराग भैया का, जीतन राम मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, उनके नेतृत्व पर लोगों को भरोसा है, उनके नेतृत्व पर लोगों को विश्वास है। और हम मानते हैं कि एक उम्मीदवार के नाते हमने भी उनके जितने भी काम किए हुए थे और आगे का हमारा जो विजन है वो लोगों तक पहुंचाने के। ये इत्तेफाक है, कह लें कि आपके पापा के जो कलीग हैं कैबिनेट में, नीतीश कैबिनेट में, उनके बेटे से आपका मुकाबला है, तो आपको नहीं लग रहा है कि एक ही पार्टी के दो चेहरे जो हैं, दो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं? नहीं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और हम ये मानते हैं कि कहीं पर भी हम फील्ड में रहते थे, जनता दल यूनाइटेड के कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी लीडर उनके तरफ नहीं थे, क्योंकि वो मानते हैं कि उनका जो नेता है वो नीतीश कुमार जी, वो उनके सिद्धांतों पे, उनके आदर्शों पे, उनकी विचारधारा पे यकीन करते हैं। और वो जब हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पे आए भी और उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियरली ये बात बोला कि जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार और NDA की उम्मीदवार शांभवी हैं, और सारे ही जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और जितने भी समर्थक हैं उनका समर्थन मेरे प्रति होना चाहिए और पार्टी के प्रति होना चाहिए, और पार्टी के खिलाफ जो काम करेगा उन पे वो कड़ी कार्रवाई करेंगे चुनाव के बाद। आपको लग रहा है कि महेश्वर हजारी, जो सन्नी हजारी उम्मीदवार हैं, उनके पिताजी हैं, वो खिलाफ काम कर रहे थे JDU के? अब हम उनको, जब हम पहले भी आए थे हमने बोला कि हमसे बड़े हैं, उनका प्यार और आशीर्वाद अगर हमको मिलेगा तो अच्छा ही रहेगा, बुरा तो नहीं होगा, बहुत बढ़िया रहेगा। पर बार बार उनसे एक कह सकते कम्युनिकेशन हम लोग इस्टेब्लिश करने का कोशिश किए, पर वो नहीं आए ना। जब हमारे CM भी आए थे, उनकी सभा हुई थी, वो उसमें भी नहीं आए थे। तो जिस पार्टी से आप, राजनीतिक धर्म है आपका कि आप जिस पार्टी में आप उसकी तरफ वफादारी रखें, ये तो बेसिक हम लोग का होता है, लॉयल्टी टूवर्ड्स जो आपका पार्टी होता है, जो आपके सिद्धांत होते हैं, जो आपके, आपको एक वफादारी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके जितने कार्यकर्ता जो आपके चुनाव में काम किए हैं वो जनता दल यूनाइटेड के हैं, आपको उनके तरफ भी अपना सोच रखना चाहिए था, बट वो खैर नहीं किए, वो नहीं आए। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि JDU के वोट में बंटवारा हो रहा हो? इसका बिल्कुल भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। और हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे और आज हम लोग पोलिंग डे पे पहुंच गए हैं। उस Day 1 से लेके आज तक में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स कहीं टूटे हों, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता कहीं टूटे हों। एक दो लोग हमेशा, आप पूरा जब आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखें तो एक दो लोग होते हैं जो अपना जो भी उनका व्यक्तिगत संबंध होगा उसके कारण अगर इधर नहीं है उधर है, उससे खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोटर हमारे आगे हैं। आपने सुना शांभवी चौधरी को सीधे तौर पे ये कहते हुए कि आने वाले समय में जो कुछ भी होगा, जनता दल यूनाइटेड के जिन लोगों ने खिलाफत की है, बगावत की है, उस पर क्या कार्रवाई होगी।
हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज समस्तीपुर। और क्या आप जानते हैं समस्तीपुर में शांभवी के लिए नारा क्या चल रहा है? शांभवी है तो संभव है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे मोदी है तो मुमकिन है। प्रकाश कुमार का रुख करेंगे। अच्छा प्रकाश, देखिए परिवारवाद का आरोप तो यहाँ पर कोई एक दूसरे पर लगा नहीं सकता है, लेकिन समस्तीपुर, क्योंकि सनी हजारी के पिता महेश्वर हजारी तो यहाँ इसी समस्तीपुर से पहले सांसद भी रह चुके हैं, उनका घर यहीं पर है, तो शांभवी के लिए वो बाहरी वाला ठप्पा मुश्किल बढ़ा रहा है क्या? देखिए शुरुआती दौर में ये बात, ये मुद्दा जरूर आया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का दिन करीब आता गया ये मुद्दा बाहर हो गया। इसके पीछे वजह है, दो वजह है जो संकेत की भाषा में यहाँ के जो मतदाता हैं वो बात करते हैं, या तो विकास की बात करते हैं, तो जब भी विकास की जो भी बात कर रहा होता है तो उसका मकसद होता है कि वो मोदी के लिए वो वोट देने जा रहे हैं या फिर मोदी के पक्ष में उनकी बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ बेरोजगारी या फिर महंगाई का मुद्दा होता है तो ये समझा जाता है कि वो इंडिया एयरलाइंस के ही तरफ जा रहा है वोट, ये संकेत की भाषा है। लेकिन इसके पीछे भी जो पर्दे के पीछे की कहानी जिसे कहते हैं राजनीति में, जो सामने होता है वो दिखता नहीं है, तो इसके पीछे भी होता है वो है जातीय ध्रुवीकरण, समीकरण और धर्म के नाम पर भी समीकरण और ध्रुवीकरण बनता है। तो यहाँ जो ये क्षेत्र है समस्तीपुर इलाका है, या ये दलित के लिए रिजर्व सीट है, और यहाँ से शांभवी चौधरी सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं, 25 साल की हैं, तो जाहिर है कि एक ट्रैक्शन को जरूर पैदा किया गया है। लेकिन क्योंकि ये रिजर्व सीट है तो यहाँ पर अमूमन ये कहा जाता है कि जिस तरफ की हवा होती है, जिस तरफ लोग भाप लेते हैं, या जिसका वजन, यानी कि बटखरा जाति के आधार पर अगर भारी होता है तो उसको फायदा होता है। लेकिन एक नुकसान जो दिखता है और वो है कि पासवान वोट में क्या बंटवारा हो सकता है, क्या पासवान वोटर्स चिराग पासवान को अपना नेता मानते हुए सनी हजारी को वोट नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा पहलू है जिसे रिजल्ट के आसपास में ये देखने को मिल जाएगा, या वोटिंग खत्म होगी तो ये पता चल जाएगा कि आखिर वोटर किधर जाए। बिल्कुल, पासवान वोटर का दबदबा है यहाँ पर, और बस दर्शकों को इतना बता देना जरूरी है कि सनी हजारी दरअसल उसी पासवान जाति से आते हैं। और समस्तीपुर के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये भी कि कर्पूरी ठाकुर 1977 में इसी सीट से सांसद चुने गए थे। अलग अलग तस्वीरें आज सुबह से जो आई हैं, वोटर्स का उत्साह भी इनसे इसमें नजर आ रहा है, और साथ ही साथ क्योंकि ये दिग्गज हैं इसीलिए इन तस्वीरों को दिखाना आपको इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि अगर आपके इलाके में भी वोटिंग हो रही है तो आप भी थोड़ी सी प्रेरणा जरूर लें तस्वीरों से। अच्छा, महुआ मोहित्रा को आप देख रहे हैं, कृष्णानगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार, इस बार इनकी सीट पर भी वोटिंग हो रही है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। राव साहब दानवे को आप देख रहे हैं, जालना से एक बार फिर चुनाव मैदान में, राव साहब दानवे वोट डालने के लिए पहुंचे परिवार के साथ। चंद्रबाबू नायडू को आप देख रहे हैं, टीडीपी अध्यक्ष, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आंध्र प्रदेश में आज वोटिंग हो रही है, न सिर्फ सभी लोकसभा बल्कि सभी विधानसभा सीटों पर भी। साक्षी महाराज खुद उन्नाव से एक बार फिर चुनाव मैदान ताल ठोक रहे हैं, पहले 14 फिर 19 बीजेपी का कमल खिलाया है, एक बार फिर 24 में साक्षी महाराज उन्नाव में उम्मीदवार, वोट डाल दिया है, तस्वीर आपके सामने है। और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वोट डालने के लिए पहुंचे, श्रीनगर की वो सीट जहां से फारूक अब्दुल्ला जो है खुद सांसद रहे हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे अब उत्तर प्रदेश के कन्नौज, हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं कन्नौज, जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ बचाने के लिए खुद अखिलेश यादव इस बार चुनाव मैदान में हैं। मूड वोटर का क्या नजर आ रहा है आज संजय? बिल्कुल मूड बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी दे दूं रुमाना, कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी किया था 9 बजे तक की पोलिंग का, उसमें पूरी 13 सीटें जो उत्तर प्रदेश की जहाँ चुनाव हो रहा है उनमें कन्नौज दूसरे नंबर पर है, और इसकी गवाही हमको इस पोलिंग सेंटर पर भी मिलती है। आप देखिए लंबी लंबी लाइनें चारों ओर लगी हुई हैं, महिला पुरुष हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार मतदान में जुटे हुए। माहौल क्या है, लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है लड़ाई इस बार कन्नौज की तगड़ी है? जी हाँ, इस समय जो है लड़ाई तकली है। क्या मुद्दे हैं जहन में, क्या सोच करके आप लोग मतदान करने आए? हमें तो हमारा अधिकार है वोट डालने का, वो अपना अधिकार जो है यहाँ पर करने अधिकार पूरा करने आए हैं। कहाँ से आए हैं? कन्नौज, कन्नौज शेखपुरा मोहल्ला। क्या है मन में, जहन में मुद्दे क्या है? विकास, विकास, ऐसा विकास, विकास होना चाहिए, जो सड़क पानी का विकास, सड़क पानी रोड, हाँ विकास होना चाहिए, सड़क पानी का यही चाहिए हमको। कहा बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है कन्नौज में, यहाँ मतलब कोई मजदूरी, रोजगारी, विकास, ये सब मुद्दे हैं, इसी को लेकर क्या है? और भी कोई मन में बात चल रही है? नहीं नहीं नहीं, शिक्षा होना चाहिए बढ़िया, विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास, बिजली पानी, बस बिजली पानी का विकास, सड़क का विकास, हाँ बिल्कुल मुद्दे हैं बिल्कुल। और मुद्दा जो महंगाई कम करे, महंगाई कम करे, हाँ अच्छा। और का नाम, बेटियाँ बहुत सुरक्षित रहे, यही मुद्दा है सर, परिवार सुरक्षित रहे, बेटी बहुत सुरक्षित रहे, महंगाई कम हो, अब बेरोजगारी कम हो, यही सब मुद्दे हैं। इसके अलावा भी कन्नौज में कुछ मुद्दा यही है सर,
यही मुद्दे हैं, बेरोजगारी कम हुए, बिजली सब सुविधाएँ हुए। लेकिन बताना नहीं चाहते हम मुद्दे, एक नहीं सौ मुद्दे हैं, बात हिंदू मुस्लिम की और गरीबों की, अमीरों की, एक तरफा बोर्ड की और लड़ाई दंगा, बहुत मुद्दे हैं। एक मुद्दे पर बात हम करेंगे तो बात हो नहीं पाएगी, बहुत मुद्दे हैं, सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे बता भी दिए बात करते करते। क्या है मन में, जहन में क्या मुद्दे हैं जिनको सोच करके आए हैं मतदान करने? हम जहन में एक ही मुद्दा है, क्योंकि हम शमा को वोट देना चाहते हैं और ताकि वोट पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ, क्या सोच के आए मतदान करने? सोच के आए सर कि जो है आगे चल के जो भी होगा अच्छा होगा, अभी तक कोई विकास कन्नौज में नहीं हुआ है, बेहतरी के लिए वोट करने आए हैं। देखिए बड़ी रोमाना रोचक बातें सबके बात करते करते, तो लोगों मतदान के अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपने मुद्दों को जहन में रख के पोलिंग बूथ की तरफ रुख कर रहे हैं, लगातार अपना वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। तो ये तो कन्नौज की बात हो गई, अब जरा बिहार आपको लिए चलते हैं। चौथे चरण की टक्कर में मुंगेर भी है जहां पर आज मतदान हो रहा है, और यहां से ललन सिंह जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष चुनावी मैदान में, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो आरजेडी से उन्हें टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तीन बार के लोकसभा सांसद ललन सिंह हैं और पहली बार चुनाव मैदान में अनीता महतो इस बार एंट्री करती नजर आ रही हैं। तो चौथे चरण की टक्कर मुंगेर में किस तरह से है वो आपको हम दिखा रहे हैं, और इसी के साथ अब ये भी बताते हैं आपको कि यहाँ का सियासी समीकरण क्या है। ललन सिंह और अनीता महतो जो इस बार चुनावी मैदान में है, उस समीकरण का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए शशांक से एक बार समझ लेते हैं कि अभी ग्राउंड पर शशांक क्या हो रहा है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं, मुद्दे क्या है उनके? देखिए पिछले तीन चुनाव से यहाँ पर भूमिहार बनाम भूमिहार के बीच लड़ाई हो रही थी, लेकिन लालू ने अपनी कूटनीति से इस बार इसको अगड़ा बनाम पिछड़ा बना दिया है। हम लखीसराय में हैं, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का एक मतदान केंद्र पर है, लंबी लाइन लगी हुई है, एक तरफ पुरुष मतदाता है एक तरफ महिला है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनका मिजाज टटोलेंगे। बाबा आप लोग वोट करने के लिए आए हैं, मुद्दे क्या हैं आपके, क्या सोच के वोट करने आए हैं? क्या सोच के कर रहे हैं? विकास चाहिए, महंगाई, विकास, विकास के लिए चाहिए वोट के लिए। क्या मुद्दे हैं? ये बढ़िया सरकार है, बढ़िया होती का होना चाहिए यार, क्या होना चाहिए? क्या सोच के वोट करने आए हैं? हम लोग मतदान देने के लिए आए हैं। क्या सोच के आए? आपकी कुछ समस्याएं होंगी ना, कुछ चाहते होंगे? महंगाई बहुत है। हाँ अच्छा, चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 96 सीटों पर पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं अधीर रंजन चौधरी, 5 बार इस सीट से जीते हुए हैं और इस बार फिर अपनी जीत का 100% दावा कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें हराने के लिए कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी जीत तो पक्की है। सुनिए, मेरे साथ अधीर रंजन चौधरी हैं, इस बार फिर एक बार चुनावी मैदान में। अधीर दा कितना भरोसा है जीत का? More than 100% समझते हैं, More than 100%। और क्या बताओ, जो बहिरागत कह रहे हैं, जो बार बार आरोप लगते हैं कि यूसुफ पठान बाहर के उम्मीदवार हैं, आपको लगता है? जो जिनको आप बात कर रहे हैं वो कल मोदी जी की भरपूर प्रशंसा किए हैं, उनके लिए गर्व महसूस करते हैं। और क्या बताओ, वो मोदी जी और दीदी जी मिलके ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव मोदी और दीदी की मिली भगत चुनाव हो रहा है मेरे, मुझे हराने के लिए और कुछ नहीं। आपको लगता है कि इस बार पूरी तरह से साजिश हो रही है कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ तो टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन? कांग्रेस के खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ हो रहे हैं, मैं जानते हैं, बार बार मैं ये बोलते आते हैं कि दीदी और मोदी मिली भगत ये हो रहे हैं। अदानी अंबानी पर आपने कहा पैसे नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए? देखिए हंसी मजाक जब होते हैं तो हंसी मजाक होते हैं, और उसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा सारे भाषण सदन में है। इस बार जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं? आसमें More than 10% की, अगर हिंदी पता नहीं, 100% से ज्यादा। ये थे अधीर रंजन चौधरी जो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बार जीत के लिए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहीवाल, मुर्शिदाबाद, एबीपी न्यूज। बहरामपुर सीट से टीएमसी ने यूसुफ पठान को चुनाव मैदान में उतार कर अधीर रंजन चौधरी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, मुकाबला कड़ा हो गया है। द्वारा साहिब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, लंगर खिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार राजधानी पटना और पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में ये जो गुरुद्वारा साहिब है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंगर बांटते हुए नजर आ रहे हैं, गुरुद्वारे में सेवा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रोड शो जिसको लेकर जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया, और आज की ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जरा देखिए किस तरीके से सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सजाई हुई है, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में सिख समुदाय के लोग पगड़ी बांधते हैं। और गुरुद्वारा साहिब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा करते हुए लंगर खिलाते हुए,
तो एक तरफ चौथे चरण में वोटिंग हो रही है और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रचार में जुटे हुए हैं अपने व्यस्त स्केड्यूल से टाइम निकालकर गुरुद्वारा साहिब में सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पटना साहिब गुरुद्वारा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी कार्यक्रम भी है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, चुनाव के बिजी स्केड्यूल से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय निकाला, पटना साहिब के गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर वहां पर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों को आप किस तरीके से बयां करेंगे नीरज? जी बिल्कुल रोमाना, ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, तो उनका उनका प्रयास होता है कि वो किसी न किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में जाएं, वहां पर सेवा करें, लोगों से मुलाकात करें, दर्शन करें। तो ये भी है, कल वहां पर रोड शो था पटना में, नरेंद्र मोदी रात पटना में ही रुके और आज सुबह पटना साहिब गुरुद्वारा पहुँच गए जहाँ वो इस समय सेवा कर रहे हैं। सर पर देखिए नारंगी रंग की पगड़ी पहना हुआ है उन्होंने और ये पगड़ी दरअसल शौर्य का प्रतीक है। जब भी नारंगी रंग की पगड़ी कोई पहनता है तो यह बताया जाता है कि यह शौर्य का प्रतीक है और आज वैसे ही वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं। आमतौर पर भी किसी भी गुरुद्वारे में अगर आप जाते हैं तो यह वहां का कल्चर है कि आप अपने सर में कम से कम कोई रुमाल या कोई कपड़ा रखें, क्योंकि माना जाता है कि आप जब वहां पहुंचते हैं गुरुद्वारे में तो आपका सर झुका होना चाहिए, आपका सर ढका होना चाहिए। तो वही नरेंद्र मोदी जी पूरी परंपराओं का निर्वहन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले सर में नारंगी रंग की पगड़ी उन्होंने पहनी और उसके बाद वहां पर सेवा कार्य, लोगों को भोजन परोस रहे हैं, प्रसाद परोस रहे हैं। तो ये पगड़ी भी जो पटना साहिब गुरुद्वारा के तमाम जो अनुयायी हैं, वहाँ ट्रस्ट के लोग हैं, उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पगड़ी भी पहनाई है। लेकिन ये जो तस्वीरें, ये जो सीन, ये जो उनका सेवा कार्य दिखाई पड़ रहा है, ये बताता है कि वो कितना अपने धर्म को लेकर, लोगों की सेवा को लेकर समर्पित हैं। जी रोमाना, बिल्कुल। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरीके से गुरुद्वारे के भीतर की तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली से भी देखी हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास इसलिए हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। लंगर बांटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देखे जा सकते हैं और ये सेवा का अपना एक महत्व है सिख धर्म में, जहाँ पर कोई बड़े छोटे का फर्क रहता नहीं है और ऐसे में सभी एक संगत में बैठ कर एक साथ खाते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं और देखिए किस तरीके से उसी लंगर को बांटने का काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा भाव से यहां पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार में जो चुनावी कार्यक्रम रहने वाला है, जरा उसके बारे में भी नीरज जल्दी से दर्शकों को दे दीजिए जानकारी। देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम हैं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि पटना साहिब के बाद वो निकलेंगे यहाँ से और सीधा रैलियों को संबोधित करेंगे। तीन बड़ी रैलियां हैं, तीन बड़ी रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना आगे का एजेंडा रखने वाले हैं, आज अपना अपनी बात रखने वाले हैं। इसके अलावा कंटिन्यू आप देखें तो हर जगह बैक टू बैक रोड शो हैं। अगले 8 दिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पावर पैक प्रोग्राम हैं पूर्व बिहार में, यूपी में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में वो जाने वाले हैं, महाराष्ट्र में सभाएं करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक लगातार सभाएं और डेली का रूटीन है कम से कम 3 से 4 बड़ी सभाएं करना। अगर आज के दिन की बात की जाए नीरज, तो शुरुआत जो है वो पटना साहिब के गुरुद्वारे से सेवा करते हुए, लंगर बांटते हुए और शाम होते होते जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे तो फिर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने भी जाएंगे मंदिर में। नीरज जी बिल्कुल रवाना, वही मैं कहने जा रहा था कि आज सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। इस इम्पोर्टेंट दिन इसलिए है कि आज सभाएं जब समाप्त करेंगे उसके बाद वो सीधा 5 बजे बनारस पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीधा वो एक बड़ा रोड शो जो लंका से शुरू होगा और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में खत्म होगा, यानी लंका पंडित मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा है उस पर वो माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद करीब करीब 8 किलोमीटर का लंबा रोड शो होते हुए वो सीधा काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे, जिसमें लगभग लगभग बनारस का एक बहुत बड़ा भूभाग वो टच करेंगे। ये इसलिए कि कल उनका नामांकन होना है, जहां मैं हूं ये बनारस ही है और बनारस की अपनी एक अलग पहचान है
और बनारस में जब भी वो पिछले 2014 से हमने देखा 2014, 2019 और अब 2024 जब भी वो नामांकन करने आए हैं तो नामांकन से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा रोड शो किया है और वो रोड शो वही लंका चौक से यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट के पास जो पंडित मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा है वहां माल्यार्पण के साथ शुरू होता है और काशी विश्वनाथ में दर्शन के साथ उनका वो रोड शो समाप्त होता है। तो कल नामांकन करना है उनको 11:40 पर, उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे बनारस के लोगों से रोड शो के जरिए रूबरू हो लेना चाहते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। शुरुआत दिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुद्वारा साहिब में जाकर सेवा करते हुए लंगर बांट कर की है और शाम होते होते अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में और फिर बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ेंगे हम चुनावी संग्राम के बीच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत की, हमारे सहयोगी नीरज पांडे ने ही वो इंटरव्यू लिया है। देखिए इस इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि मजबूती से केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल के होने के बाद क्या होगा, ये जो सवाल विपक्ष की तरफ से खड़ा कर दिया गया है इस पर भी अमित शाह ने खुलकर स्पष्ट अंदाज में जवाब दिया। 2029 तक नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, अपना तीसरा कार्यकाल थर्ड टर्म प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। केजरीवाल जी ऐसे नेता है जो अपनी पार्टी ढंग से नहीं चला सकते और हमारी पार्टी का फैसले करने चले हैं। ये मैंने स्पष्ट कर दिया था 29 तक की टर्म को मोदी जी पूरा करेंगे और 29 के बाद भी भाजपा के चुनाव अभियानों का नेतृत्व श्री मोदी जी करने वाले हैं और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं नीरज पांडे इस वक्त हमारे। अच्छा, इस बीच ये तस्वीरें आ गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तस्वीर आपके सामने कुछ देर पहले की ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे साहिब में पहुंचे थे उस समय की ये तस्वीर। देखिए किस तरीके से सरोपा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो यहां पर सौंपा गया, उसके बाद नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु ग्रंथ साहिब को और वहां जो अनुयायी मौजूद हैं गुरुद्वारा साहिब में उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इसके बाद देखिए किस तरीके से सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। पटना साहिब में जो गुरुद्वारा है उसके किचन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। आप जानते हैं सिख धर्म में किस तरीके से जो लंगर है उसका अपना एक महत्व है, किस तरीके से कोई भूखा ना रहे और सब मिल बांट कर खाएं, एक ही पंक्ति में एक ही संगत में बैठकर खाएं, इसका अपना महत्व है सिख धर्म में। और उसी के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुरुद्वारे में पहुंचते हैं तो सेवा के लिए वो सीधे जो गुरुद्वारा साहिब में कम्युनिटी किचन है वहां पर जाते हैं। वहां जाकर लंगर बनाते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपने देखी और लंगर बांटते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ये देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है। जब कम्युनिटी किचन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे गुरुद्वारा साहिब में तो वहां पर बाकायदा वो रोटियां बेलते हुए भी नजर आए। तो रोटी बेली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना साहिब के गुरुद्वारे में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीतर जा रहे थे उस समय की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो पूरे श्रद्धा भाव से आस्था से पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की ये विजिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही बिहार पहुंच गए थे, पटना में जबरदस्त रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। अच्छा ये तस्वीर देखिए कितनी खास तस्वीर है, वहां पर जो महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करती हुई। सिख समाज के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं पटना साहिब में, ये गुरुद्वारा साहिब जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे में दर्शन नमन करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा करने के बाद वहां मौजूद अनुयायियों से भक्तों से अभिवादन स्वीकार करते हुए लंगर में सेवा करके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल गए हैं अपने चुनावी कार्यक्रम के लिए। ये वो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नमन करते हुए गुरुद्वारे के भीतर की तस्वीर आपके सामने। पटना साहिब गुरुद्वारे की ये तस्वीरें हैं, बेहद पवित्र स्थान माना जाता है इसको सिख धर्म के अनुयायियों के लिए। पटना साहिब का गुरुद्वारा जिसकी अपनी एक मान्यता है और उसी गुरुद्वारे के जो किचन है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंगर में देखिए किस तरीके से सेवा दी। न सिर्फ वहां पर खुद खाना बनाने में मदद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्कि उसके बाद लंगर बांटते हुए भी प्रधानमंत्री वहां पर नजर आए भक्तों को। लोग हैरान थे
आप इस तस्वीर को देखिए, कैसे वहां पर जो संगत में लोग बैठे हुए हैं लंगर के इंतजार में, कुछ तो अपने आप को रोक नहीं पाए, अपना मोबाइल निकाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेने लगे। ये तस्वीर आपको दिखेगी, अभी देखिए कैसे ये जो शख्स बैठे हुए हैं इसी संगत में, उन्होंने अपना मोबाइल निकाल लिया। उनको खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था देखकर कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो गुरुद्वारे में मौजूद हैं और उन्हें लंगर परोस रहे हैं। गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका, गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंगर सेवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन की शुरुआत गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मत्था टेक कर की है और शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में होंगे, अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे, जहां वाराणसी में लैंड करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले रोड शो करेंगे और उसके बाद शाम होते होते बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलती हूँ अपने सहयोगी नीरज पांडे के पास। नीरज, ये जो तस्वीरें हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो भक्ति जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलती है शक्ति, और साथ ही साथ एक जो कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाते हैं, मतलब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं किस तरीके से लंगर सेवा करते हुए प्रधानमंत्री और जो गुरुद्वारे में अनुयायी मौजूद हैं, भक्त मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हुए एक छोटा बच्चा मिल गया। बच्चों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में कितना प्रेम है, वो तस्वीरें हमेशा हमें देखने के लिए मिलती हैं और यहाँ गुरुद्वारे में भी वो तस्वीर मिली। कैसे जोर शोर से प्रधानमंत्री जो है बच्चे से हाथ मिला रहे हैं। नीरज, देखिए रोमाना, प्रधानमंत्री कोई शब्द नहीं है, कोई पद ही नहीं है, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के लोकतंत्र की ताकत है। उनको मालूम है कि इस 130 करोड़ की जो जनता है उनको कैसे सहेज कर रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो जहां जाते हैं लोगों में खो जाते हैं, लोगों को अपना बना लेते हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो या दूसरे धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, मठ हो, जहां भी जाते हैं वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, उनके कल्चरल एक्टिविटी में अपने आप को समाहित करते हैं। इसके अलावा बच्चों से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, बात करते हैं, और यही उनकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण है। आज वो 74 के आसपास हो चुके हैं, लेकिन आप समझिए कि युवाओं में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी हैं। वो इसलिए नहीं है कि ये उम्र कोई बैरियर है, बल्कि इसलिए है कि वो युवाओं के बारे में सोचते हैं, युवाओं के साथ कनेक्ट करते हैं, युवाओं के तरह सोचते हैं। इसी तरह महिलाओं के बीच में आप देखिए, कल एक तस्वीर जो आपको दिखाई पड़ रही थी पश्चिम बंगाल की, जब वो मंच से उतर रहे थे तो महिलाएं रो रही थी, उनका पैर छूना चाहती थी, उनको टच करना चाहती थी। वो इसलिए नहीं है कि एक भारत का प्रधानमंत्री है या डर है कोई भाई, वो एक लगाव है, एक प्रेम है, एक उनके द्वारा किए गए कामों का समर्पण है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत है कि जहां वो रहते हैं, जहां जाते हैं, जिनके बीच में रहते हैं उनमें आत्मसात करते हैं और एक गार्जियन की भूमिका में रहते हैं, उनको ये एहसास कराते हैं कि आपके हाथ बहुत मजबूत है, आपके साथ एक ऐसा लीडर है जो आपकी आपके बारे में सोचता है, आपकी तरह सोचता है और आपके लिए सोचता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आप देखें कि जहां वो जाते हैं उनको लोग हाथों हाथ लेते हैं, उनके बारे में कभी आपको देखेगा कि उनके बारे में हमेशा अच्छी बातें निकल कर सामने आती है। अपनी आस्था है उसे बिल्कुल छुपाते नहीं है, उसे दिखाने में कोई गुरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं, चाहे मंदिर हो चाहे गुरुद्वारे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं उनकी जो भक्ति है, जो आस्था भाव है वो दिखता है। क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर मुझे ख्याल आता है कि इससे पहले यूपीए के कार्यकाल में देश ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को भी देखा जो बाकायदा सिख समुदाय से ही आते थे, लेकिन कभी उन्हें इस तरीके से गुरुद्वारे में जाकर सेवा करते हुए, मतलब वो तस्वीरों में नजर नहीं आए। उनकी आस्था जरूर रही होगी और वो निजी तौर पर उसको करते होंगे, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है तो वो अपनी आस्था दिखाने में विश्वास रखते हैं, उसको छुपाते नहीं है। नीरज पांडे, देखिए हमारा देश धर्म प्रधान देश है और धर्म यहाँ के रग रग में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो धर्म के बीच में धार्मिक स्थलों में जब जाते हैं तो अपने आप को आत्मसात करते हैं, उसी में खो जाते हैं, और ये उनका अंतर्मन भी है। कई इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही भी है कि वो बहुत आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, और कोशिश उनकी यही रहती है कि अध्यात्म जो आध्यात्मिक चीजें हैं उसको जगाए रखें। इसीलिए जब से 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पे आए तो उन्होंने धार्मिक टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा दिया है। हम जहां पर हैं ये काशी है, काशी विश्वनाथ बहुत पुराना मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, पूरे देश के तमाम हिंदुओं की आस्था है, लेकिन जैसे ही वो यहां से सांसद बने
उन्होंने इस शहर के न सिर्फ पुनरुद्धार की बात शुरू की बल्कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कैसे बनकर तैयार हो इस पर बात शुरू की। केदारनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में कॉरिडोर, इसके अलावा आप देखिए देश के तमाम धार्मिक स्थलों को उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ाया, ये अपने आप में बताता है कि धर्म इस देश की आस, धर्म इस देश के रग रग में है और नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि बिहार पटना में है, ऐसे में यहाँ पर गुरुद्वारे में तो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मत्था टेका, क्या किसी और मंदिर में जाने का भी यहाँ पर कार्यक्रम है बिहार में इस यात्रा में? देखिए आज तो फिलहाल पटना साहिब ही जाने का कार्यक्रम है रोमाना, उसके बाद सभाएं हैं, सभाओं के बाद शाम को 5 बजे उनका बनारस में रोड शो है, तो फिलहाल आज किसी और धार्मिक स्थल पे जाने का उनका कोई वो नहीं। हाँ, शाम को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाएंगे, काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन जरूर करेंगे, पूजन करेंगे और इसी के साथ अपने चुनावी अभियान का, खुद के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे क्योंकि बनारस से वो लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज के दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारे में मत्था टेक के की है और शाम होते होते अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद पीएम लेंगे।